हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू FCSR क्लासेस। आज हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम टू लेजर एंड बैलेंस द सेम। मिस्टर नागराज स्टार्टेड बिजनेस विद फॉलोइंग ऑन जनवरी 1, 2005। यानी कि मिस्टर नागराज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और स्टार्ट करते वक्त हमको यहाँ पे क्या लगा रहा है, देखिए असेट भी है और एंड लायबिलिटीज भी है। कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन एक अमाउंट है जो एस के है से आना है हमको पैसे, यानी कि ये डेटा रहे, एस क्या है डेटा रहे, और अमाउंट एक ड्यू है जिसको हम देना है रेडी, यानी कि हमको ये लायबिलिटी है। और क्या है, गुड्स स्टॉक लगा रहा है, ठीक है। ये क्या है, बिजनेस में क्या हो रहा है, टोटल असेट या लायबिलिटीज क्या है, स्टार्टिंग के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं, देखिए डेट क्या दी गया है, 1 जनवरी को स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 जनवरी 2005। क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कैश बिजनेस में आ रहा है, कम सीन है, तो कैश अकाउंट डेटा कितना लगा रहा है, कैश 5000। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर लगा रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेटर ये कितना है, 3000। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम एस, यानी कि अमाउंट एस से आना है, तो ये होगा हमारा एस अकाउंट डेटर, ये हमारे संडे डेटर है, तो इसको हम लिखेंगे एसेट में 1000। और एक क्या है, गुड्स जो स्टॉक लगा रहे हैं हम, गुड्स अकाउंट कितना, 3000। और एक को क्या है, हमको देना भी है, तो ये होगा हमारा लायबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 क्रेडिट साइड, क्योंकि हमको पैसा देना है रेडी को, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम रेडी अकाउंट कितना है रेडी का, 1000। यहाँ पे करेंगे हमको टोटल 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट हम हमेशा क्या करते थे, डीआर से जितने भी आइटम्स होते थे हम उसको ऐड करते, प्लस करते और डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में हम क्या है, लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल असेट भी है एंड एक लायबिलिटी है जो मिस्टर रेड्डी को देना है हमको 1000, तो हम उसको पहले ऐड करेंगे, देखेंगे कि टोटल हमारे असेट कितने होते हैं, असेट होने के बाद हमको टोटल करना होगा लायबिलिटीज, ठीक है। असेट देखिए कितना है, 5000 प्लस 3000 8000, 8000 प्लस 1000 9000 प्लस 3000 12000, ये टोटल हमारा एसेट हो गया 3000 12000, और ये 1000 हमको रेडी को देना है, तो टोटल हमारा आएगा यहाँ पे 11000, क्योंकि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट तो 12000 हो रहा है, लेकिन हमको रेडी को क्या करना है, पैसे देना भी है, तो टोटल हमारा कैपिटल नेट हो गया है ये कितना है, 11000। तो देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे नरेशन बींग बिजनेस बिजनेस स्टार्टेड विथ अबव असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट भी है एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 11000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन एंट्री करते हैं, 2 जनवरी 2005। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गया है, सेकेंड एंट्री देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सेकेंड एंट्री दिया गया है हमारे पास, ही ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वेयर एज फॉलोस। ये मंथ में जो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं यहाँ पे दिया गया है, क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम एन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, एन से कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कैश या चेक नहीं दिया गया है, हमने उधार परचेस कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा उधार परचेस कर रहे हैं, तो ये हमको देना होगा एन को, तो दे पर जो गुड्स हमको रिसीव कर रहे हैं ये क्या है, असेट है, फिक्स असेट है, तो स्टॉक करंट असेट है, तो ये बिजनेस में आ रहा है, परचेस करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस में कम सीन होगा, तो हम उसको लिखेंगे डी आर सेट में। और हमको एन क्या है, यहाँ पे गिवर है, तो एन को आप ये पर्सन है, तो हम गिवर होगा तो सी आर सेट में, ठीक है। परचेज अकाउंट डेटर परचेज
परचेज अकाउंट डेटा टू किसको दे, किस लिए हम एन अकाउंट, कितना 3500, कितना 3500। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नरेशन बींग परचेज बींग परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज कितने का 3500 फ्रॉम किससे एंड कैसे ऑन क्रेडिट, क्या हम उधार हमने परचेस किए हैं ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड वन 1 2005। थर्ड वन क्या है यहाँ पे, सोल गोज टू टी, यानी कि हम तो यहाँ पे परचेज किए हैं लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, हम सेल भी कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, टी को कर रहे हैं। ये जो क्या है हमारा टी कस्टमर है, यहाँ पर भी हम उधार सेल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैश चेक नहीं है, तो हमने उधार सेल कर रहे हैं। उधार जब सेल करते हैं तो टी क्या है हमको पैसा देना होगा, तो टी क्या है हमारा कस्टमर है, डेटा है, तो ये डी आर होगा। और सोल कर रहे हैं यानी कि स्टॉक क्या हो रहा है बिजनेस से आउटसाइड जा रहा है यानी कि गोज आउट आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टी अकाउंट डेटा टू टू सेल्स अकाउंट, जब हम सेल करते हैं तो टी क्या होगा रिसीवर होगा, इसलिए क्या है इसको डी आर सेट में। ठीक है, और क्या टी हमारा डेटा आ रहा है तो ये हमारा असेट होगा, ये इसलिए भी डी आर सेट में। ठीक है, कितना था 5000। आप लोग यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन, आपको डाउट आ सकता है कि हमने ने परचेज किए हैं 3500 लेकिन हम सेल कर रहे हैं 5000, यानी कि स्टॉक हमने कम परचेज किया लेकिन सेल कर रहे हैं ज़्यादा, ये कैसा। तो यहाँ पे एक ओल्ड जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है 3000 और ये कितना परचेज किए हम 3500, तो टोटल हमारे पास 6500 स्टॉक है लेकिन सेल कितने हैं 5000। ठीक है, चलिए नरेशन लिखेंगे हम बींग सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5000 टू टी ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन करते हैं हम फिफ्थ वन। देखिए फिफ्थ वन क्या है यहाँ पे, फिफ्थन दिया गया है यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, यानी कि स्टार्टिंग में तो हम कैपिटल लगाए थे लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट टाइम और एक सेकेंड ट्रैप में हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितना 10%। बिजनेस में कभी भी अगर कैपिटल कम हो जाए, बिजनेस बड़ा करना रहा या सेल ज़्यादा करना रहा, तो हम क्या है एक एक बार कैपिटल हमें इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर भी फ्रेश कैपिटल यानी कि सेकेंड टाइम भी हम कैपिटल क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बिजनेस में क्या होगा, यहाँ पे कैश या चेक नहीं दिया गया, हम अजम्पशन करेंगे कि कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बिजनेस में कैश क्या होगा, कम सीन होगा, और ये क्या है कैपिटल है, तो कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल। डेटा टू कैपिटल अकाउंट कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, न्यू कैपिटल 10000 बीइंग एडिशनल, हम इसको क्या करेंगे, एक बार तो स्टार्ट करें सेकेंड टाइम कैपिटल है, तो ये हम करेंगे बीइंग एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड बाय नागराज ऑफ रुपीज 10000 इन कैश, यानी कि बिजनेस में एडिशनल कैपिटल हमने इन्वेस्टमेंट किया है इन कैश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे 10-1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 जनवरी 2005। देन में देखिए पेड एन, एन जो हमने एन से जो एन को हमने क्या किया तो परचेस किए थे कितना 3500 का, तो हम इसको यहाँ पे पेड कर रहे हैं, पेड एन ऑन अकाउंट
2000, यानी कि एन को हम देना है कितना, 3500 देना है, लेकिन हमने पेड कितने कर रहे हैं यहाँ पे, 2000। तो पेड जब हम करते हैं तो एन क्या होगा, रिसीवर होगा, और हम जरा क्या पेड कैसे कर रहे हैं यहाँ पे नहीं दिए गए, तो हम एजम्पशन करेंगे कैश, यानी कैश क्या होगा, गोज आउट होगा। तो एन अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, कितना है इनका बैलेंस, 3500, लेकिन पेड कितना कर रहे हैं, 2000। तो अभी 1500 बैलेंस। तो यहाँ पे देखेंगे हम बीइंग कैश पेड ऑफ रुपीज 2000 टू एन, एन को पेड कर रहे हैं ना, तो इतना ही नरेशन हमको लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15th one क्या दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए रिसीव्ड फ्रॉम टी ऑन अकाउंट 3000, यानी कि टी से हम दे कितना पैसे सेल किया था, 5000, लेकिन टी से हम ले कितने रहे हैं पैसे, 3000, यानी कि 2000 अभी आना है पैसे। तो जब रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास कैश क्या होगा, कम सीन, और यहाँ पे ग्यूअर कौन है, ग्यूअर कौन है, पैसा कौन दे रहा है, ये टी दे रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेटा और अकाउंट, सर आप बोलेंगे कि सर कैश तो दिया नहीं, तो यहाँ पे जो रिसीव और पेड जब होता है, जब जो मेंशन नहीं करता, तो हम उसको अजम्पशन करना होगा कि ये कैश पेमेंट या कैश रिसीव्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे कैश अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट डेटा टू, कौन दे रहा है, टी अकाउंट, टेन टी क्या है, गिवर है, कितना दे रहा है, 3000, देना कितना है, 5000, दे रहा कितना है, 5000, 3000, अभी 2000 क्या है, ड्यू अमाउंट है 3000। तो यहाँ पे देखेंगे हम बीइंग कैश रिसीव्ड ऑफ रुपीज 3000 फ्रॉम कौन, टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हम कॉलम करेंगे, क्योंकि अभी जन एंट्री हमारा और ट्रांजेक्शन्स रिमेनिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट वन में क्या है, 15 तक तो हमने किए थे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि पर्सनल क्या कर रहे हैं, हम विड्रा कैश विड्रा कर रहे हैं, विड्रा कर रहे हैं, तो कौन विड्रा करता है, बिजनेस ओनर, तो ये हो गया रिसीवर, और क्या विड्रा कर रहा है, कैश, तो बिजनेस से क्या होगा, कैश गोज आउट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18th January, तो विड्रा अकाउंट डेटा टू विड्रा लिख सकते हैं आप, या ड्राइंग्स, विड्रा अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, कितना विड्रा कर रहे हैं, 500। हमें अब लिखेंगे नरेशन बीइंग कैश विड्रॉ और रुपीज 500 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि विड्रॉ टू टाइप्स का होता है, एक पर्सनल यूज होता है और एक ऑफिस यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेट देखिए यहाँ पे क्या है, 25 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 25 January 2025 में क्या आ रहा है, सोल्ड गोज टू यू सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट 3000, यानी कि हम यू क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन 5% डिस्काउंट पे, किसको, यू को। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है 5%, किस पे लेंगे 5%, जितना हम सेल कर रहे हैं 3000 पे 5% लेंगे, किसको सेल कर रहे हैं, यू को। ये सोल्ड क्या है, बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो सी आर साइड, और यू क्या कर रहा है, रिसीवर है, तो डी आर साइड। तो यू अकाउंट डेटर डेटर टू यू अकाउंट डेटर कितना है हमारा, यू अकाउंट गुड सोल्ड गुड्स टू यू सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हम यू को सेल कर रहे हैं 3000, लेकिन 5%
डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे देखिए एक आइटम यहाँ पे देखना होगा कि डिस्काउंट एक एक बार इनकम होता है और एक बार एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि जो डिस्काउंट हम 5% दे रहे हैं, ये मिस्टर नागराज को इनकम हो रहा है या लॉस हो रहा है। इनकम हो रहा है तो सी आर साइड में आएगा, अगर लॉस हो रहा है तो डी आर साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल करते हुए डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि मिस्टर नागराज ही डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा। अगर हम परचेज करते हुए डिस्काउंट अगर होगा तो हमको क्या होगा, इनकम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हमको देखना होगा, यहाँ पे हमको देखना होगा कि टोटल हमने मिस्टर सब्जेक्ट को क्या है, यू कितना सेल किया है 3000, और उस पर हमको खर्चा कित लॉस कितना हो रहा है 5%। तो हमको ये जो लॉस हो रहा है डिस्काउंट, तो हम यहाँ पे डी आर से लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेटा। क्यों? क्योंकि हम सेल करते हैं और डिस्काउंट हो रहा है तो हमके लिए लॉस है। कितना है यू को देखिए, यहाँ पे एक्चुअल यू कितना देना होगा हमारा, टू सेल्स अकाउंट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम अमाउंट डालेंगे सेल्स अकाउंट, कितना सेल किया हमने 3000। और ये 3000 टोटली हमें मिस्टर यू से लेना नहीं है, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है हमारा 5% डिस्काउंट हो रहा है। तो 3000 का 5 से 5% कितना होगा, 150 रुपीज लॉस हो रहा है हमारा, है क्या नहीं। जब 5% डिस्काउंट हो रहा है सेल करते वक्त, तो हमको लॉस कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। टोटल हमने सेल किया 3000, लेकिन हमको 150 रुपीज माइनस करने के बाद मिस्टर यू से पैसे लेना होगा। तो मिस्टर यू कितना देता है हमको, देना होगा 2850। तो हमने टोटल सेल किया 3000, लेकिन इस पर डिस्काउंट हो गया 5%। हम 150 कट करने बाद टोटल हमको रिसीव अमाउंट करना होगा 2850। ठीक है, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑफ रुपए 2850 विथ डिस्काउंट अलाउड या तो विथ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 150 टू यू ऑन क्या, क्रेडिट, उधार पे सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, डेट 31st है, और यहाँ 31st को क्या कर रहे हैं, हम वेजेस पेड कर रहे हैं। वेजेस क्या है, लेबर पेमेंट है, तो पेमेंट हो रहा है तो हमको क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। नॉमिनल अकाउंट तो वेजेस आएगा, डी आर साइड में वेजेस अकाउंट डेटा टू, डेटा टू यहाँ पे कैसा पेड कर रहा, नहीं दिया गया तो हम अजम्पशन करेंगे ये कैश पेमेंट, कैश अकाउंट कितना 500 एंड 500। नेक्स्ट हम नरेशन लिखेंगे हम बीइंग कैश पेड आप रुपीज 500 फॉर वेजेस टू वर्कर्स, वेजेस टू वर्कर 500 पे जो है लेबर पेमेंट हो गया है, एक्सपेंसेस से खर्चा हो गया है, इसलिए हमने पेमेंट किए हैं। ये हो चुका है टोटली 1 मंथ का ट्रांजैक्शन 31st January तक। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम करेंगे इसका लेजर्स अकाउंट, तब तक के लिए टेक केयर।